ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिरमौर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के इस कदम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को भरपूर मदद मिलेगी। इस कार्य से कई परिवारों की उन बेटियों का जीवन सुधरेगा जिनके माता पिता उनकी चिंता में सोच सोच कर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, क्योंकि गिरिनौल सेवा समिति अपने खर्च पर गरीब परिवार की बेटियों की शादी करवाएगी। इस शादी में इन परिवारों को पास के फूटी कौड़ी भी नहीं लगानी पड़ेगी। दान दहेज, खाना पीना और लड़की का कन्यादान तक का इंतजाम कमेटी करेगी। गरीब कन्या के विवाह के लिए आए आगे ये संस्था भारतवर्ष में जहां पर अक्सर देखने को मिलता है कि महिलाओं को शादी के बाद दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जाता है, वहीं पर जिला सिरमौर की ये संस्था गरीब कन्याओं का विवाह करवा रही है और उन्हें जरूरतमंद सम्मान भी उपलब्ध करवा रही है। इतना ही नहीं, गरीब कन्याओं की शादी के लिए आई बारात का भी अच्छे से स्वागत किया जाता है तथा उन्हें अच्छा भोजन व अच्छा स्वागत किया जाता है। इस बारे में संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि गरीब कन्याओं के विवाह के लिए ये संस्था आगे आई है तथा संस्था के लोग मिलजुल कर ही कन्याओं के विवाह का खर्च उठाते हैं। उन्होंने समाज से अपील की है कि अगर कोई गरीब कन्या है जिसकी शादी में वेतन आ रहा है तथा शादी नहीं हो रही है तो वे हमें बताएं, कन्या का विवाह का सारा खर्चा वो संस्था के द्वारा उठाया जाएगा। गिरनौल की ओर से जो हमने कमेटी बनाई है, हम लोग यहाँ पे अधिक से अधिक निशुल्क जो गरीब परिवार की बेटियाँ होती है उनकी शादियाँ निशुल्क करवाते हैं। हम ज़्यादा ज़्यादा प्रयास करते हैं कि भाई हम पिछड़ा एरिया है थोड़ा, इसको हम गरीब भाई है इनकी जो शादी विवाह नहीं कर पाते, तो कमेटी इसमें भरपूर सहयोग करती है कि जितना भी हो खाने पीने की, लास्ट में कि भाई दान तक देने की हम जितनी हमारी क्षमता होती है हम देते हैं, कन्यादान करते हैं। जितना भी कमेटी के सारे भाई लोग पूरा सहयोग करते हैं इसमें ना जी, और बाकी हम लोग ये कि हर प्रयास करते हैं, हर संभव प्रयास कब से कर रहे हैं आप, कब से कर रहे हैं ये प्रयास? हम 2014 से लेकर के कंटिन्यू कर, शादियां तो यहाँ 2004 से होती है लेकिन हमने ये प्रयास 2014 से शुरू किया और हम सफल हो रहे हैं इसमें। गरीब बेटियां जो है बिल्कुल इस गरीब परिवार आ रहे हैं, हम अपने आप भी बुला रहे हैं, अगर कोई घर में करवाना चाहता है शादी तो हम उनको खुद इन्वाइट करके अपने अपने उसमें क्या कहते हैं आश्रम में बुला लेते हैं और हम अपने आप स्वयं ही सारी व्यवस्था कर लेते हैं। और बाकी तो हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि जो भी गरीब परिवार है वो अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही हो, हमारा आश्रम में आए, गिरनौल पूर्णेश्वर महादेव सेवा समिति गिरनौल भटनौल में आपका स्वागत है। कोई भी अगर विवाह करवाना चाहते हो तो निःशुल्क करवाया जाता है यहाँ पे, अगर कोई गरीब परिवार हो, अगर कोई सक्षम परिवार हो तो अपनी इच्छानुसार जो उनकी श्रद्धा हो वो कमेटी को दे सकते हैं यहाँ पे। इससे दिल्ली से आए बरातियों ने कहा कि इस संस्था द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, अब गरीब कन्याओं के अभिभावकों को बेटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में पहले भी गरीब लोग अपना गुजर बसर कम खर्चे में करते रहे हैं, ऐसे में कन्या की शादी के लिए इतना बड़ा खर्च गरीब परिवारों के लिए मुसीबत बन जाता है। ऐसे में ये संस्था एक भगवान बन के उतरी है। यहाँ पे जो भी प्रयास किए जा रहे हैं आश्रम के लिए वो बहुत ही अच्छे किए जा रहे हैं। यहाँ का जो रहने की व्यवस्था है, यहाँ का जो भोजन के प्रावधान है, जो भी यहाँ पे यात्री आते हैं या मैरिज कराई जाती है उसके लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करवाई है। यहाँ पे धार्मिक कुछ से लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं और मैं आशा करती हूँ कि और भी सारे लोग इससे जुड़े हैं। वहीं दूल्हे के पिता ने बताया कि इस प्राचीन मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिला सिरमौर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के कई श्रद्धालु यहां पर अपना शीश झुकाने पहुंचते हैं। कमेटी द्वारा जितने भी यहां पर विवाह करवाए हैं उन सभी कन्याओं को अच्छा परिवार मिला है। इस गरीब क्षेत्र के लिए कमेटी द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। मेरी ना मेरे बेटे की यहाँ शादी हुई, हमने यहाँ पाया कि जो ये कमेटी वाले मंदिर जो मंदिर समिति कमेटी है ना, इनका यहाँ पे बड़ा अच्छा हुआ है। यहाँ पे हमने पाया कि यहाँ पे जो भी गरीब आदमी की कोई भी ऐसे बेचारे होते हैं गरीब आदमी जो अपने बेटे बेटी की शादी नहीं करवा पाते, इनका इनके लिए बड़ा अच्छा सहयोग रहता है खाने पीने का, और बड़ा अच्छा यहाँ हुआ है। चाय पानी की कोई व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं हुई? नाज बड़ा अच्छा हुआ रहा, चाय पानी का बड़ा अच्छा बंदोबस्त है। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कमेटी वाले का। आपको बता दें कि गिरनौल सेवा समिति की ये एक अनोखी पहल है जिसके तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी ही नहीं करवाई जाती बल्कि उनकी शादी का सारा खर्च भी गिरनौल सेवा समिति के द्वारा उठाया जाता है। जी, यहाँ पर श्रद्धालु जो है यहाँ पर 2004 से मंदिर की स्थापना हुई है, श्री पूर्णेश्वर महादेव मंदिर, ये ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 श्री पूर्णानंद जी महाराज जी के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है और यहाँ श्रद्धालु मानत लेके आते हैं और जो भी श्रद्धालु आता है उनकी यह मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ पूर्णेश्वर महादेव के नाम से ही महाराज जी ने
यहाँ का नाम विख्यात हुआ है और यहाँ पर जो समिति है, समिति के जो है ना यहाँ पर इतनी व्यवस्था करती है कि यहाँ पर जो है ना जी जो गरीब परिवार की कन्याएं हैं उनका निशुल्क विवाह किया जाता है और यहाँ पर बड़े श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ अधिकतर यहाँ शादियाँ बहुत होती हैं। हर साल यहाँ शादी 15-20 शादियाँ होती है। इस प्रकार से जी कि भाई हमारे कमेटी की और समिति की ओर से जो गरीब परिवार का बच्चा है उसके लिए जो है ना जो हमारे पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार है जो ये जैसे मान लो थाली दी जाती है, बंटा दिया जाता है, प्रात दी जाती है और निस्वार्थ भाव से विवाह यहाँ कराया जाता है। और यहाँ पुजारी मैं हूँ हमारे लिए कि भाई जो कोई अपनी यथाशक्ति दे, ऐसा नहीं कि भाई इतना वो कि जो जितना देना चाहता है। इसके अलावा आप क्या क्या फैसिलिटी उनको देते हैं? यहाँ पर फैसिलिटी है जी रहने के लिए, यहाँ सराइयाँ हैं विश्राम करने के लिए और बाकी उन लोगों को चाय पानी वगैरह भोजन कराया जाता है और ऐसे तो यहाँ हर समय ही भोजन बनता है और जितने भी लोग होते हैं उनको भोजन कराया जाता है और यहाँ हाँ